शुक्ल पक्ष धरणी।
शुक्ला होय पवित्रा, श्रावण शुक्ला होय पवित्रा, आनंद से रहिए। एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, वाजपेय यज्ञ का फल सुनने वाले पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम कामिका एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, वाजपेय यज्ञ का फल सुनने वाले पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, इस व्रत में है इतनी शक्ति, होती है मोक्ष की प्राप्ति। इस व्रत में है इतनी शक्ति, होती है मोक्ष की प्राप्ति। प्रिय भक्त जनों, आज हम आपको श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे कामिका एकादशी कहा जाता है, की कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, धार्मिक मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति द्वारा अनजाने में किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं, तथा पृथ्वी दान और गौदान समतुल्य फल की प्राप्ति होती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से कामिका एकादशी पर श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी की पूजा उपासना करते हैं। सावन मास होने के कारण साथ ही भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा भी की जाती है, जिससे इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत का महात्म और कथा। मार्गदर्शन पांडवों का श्री कृष्ण ही करते हैं, उनके बताए मार्ग पे सब भाई चलते हैं। नैतिक और
धार्मिक शिक्षा का भी देते हैं ज्ञान। रक्षक बनकर सदा खड़े हैं श्री कृष्णा भगवान। युधिष्ठिर को जब कोई उनसे प्रश्न पूछना हो, श्री कृष्ण के पास ही आते हैं वो पूछने को। उचित प्रश्न का हल उनका श्री कृष्णा करते हैं। पांचों पांडव उनकी बात से नहीं मुकरते हैं। एक दिन फिर से युधिष्ठिर कृष्ण के पास में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वाजपेय यज्ञ का फल सुनने वाले पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत में है इतनी शक्ति, होती है मोक्ष की प्राप्ति। इस व्रत में है इतनी शक्ति, होती है मोक्ष की प्राप्ति। प्रिय भक्त जनों, श्री कृष्ण के पास आकर युधिष्ठिर कहने लगे, हे वासुदेव, आपके श्री मुख से मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देव शयनी एकादशी की कथा सुनी। अब मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, एवं इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है, और इसका उपवास करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया सब कुछ विस्तार से वर्णन करें। युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, उत्तम प्रश्न ये बड़ा युधिष्ठिर आपने आज किया। पावन मास बड़ा ही सावन देखो लगा हुआ। कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी जो है, कामिक एकादशी युधिष्ठिर बोली जाती है। व्रत कथा भी इसकी युधिष्ठिर तुम्हें सुनाऊंगा, और महात्म भी विस्तार से आज बताऊंगा। यही प्रश्न मुनि नारद ने ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने मुनि नारद को सुनाई व्रत कथा। प्रसन्न जिसको सुन के मुनि नारद हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वाजपेय यज्ञ का फल सुनने वाले पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत में है इतनी शक्ति, होती है मोक्ष की प्राप्ति। इस व्रत में है इतनी शक्ति, होती है मोक्ष की प्राप्ति। प्रिय भक्त जनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि हे युधिष्ठिर, कामिका एकादशी की व्रत को सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने मुनि नारद को सुनाया था। मुनि नारद ने यही प्रश्न जब ब्रह्मा जी से किया, तो ब्रह्मा जी ने मुनि नारद की इच्छा जानकर कहा, हे नारद, आपने बड़ा ही सुंदर प्रस्ताव किया है, अब आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। कामिका एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी व्रत में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नवेद आदि से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। महात्म एकादशी व्रत का कृष्ण कह रहे हैं, और युधिष्ठिर ध्यान पूर्वक उसको सुन रहे हैं। सूर्य ग्रहण में स्नान जो जाकर कुरुक्षेत्र किया जाए, कामिका एकादशी व्रत फल उसके सम ही बताए। व्यतिपात में गंडकी नदी में जैसे किया हो स्नान, या सागर और वनों सहित कर दी हो पृथ्वी दान। चंद्र ग्रहण में जैसे कि केदार में स्नान किया, या आभूषणों सहित किसी बछड़े का दान किया।
कामिका एकादशी व्रत फल वैसा पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वाजपेय यज्ञ का फल सुनने वाले पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत में है इतनी शक्ति, होती है मोक्ष की प्राप्ति। इस व्रत में है इतनी शक्ति, होती है मोक्ष की प्राप्ति। प्रिय भक्त जनों, श्री कृष्ण ब्रह्मा जी द्वारा मुनि नारद को सुनाई जाने वाली कथा को दोहराते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कामिका एकादशी का उपवास रखते हैं, यौम विधि पूर्वक विष्णु पूजन करते हैं, उनसे सभी देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान से कामिका एकादशी का उपवास रखना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। युधिष्ठिर से फिर श्री कृष्ण ने भक्तों आगे कहा, सुनो युधिष्ठिर महत्म कामिका एकादशी का। आध्यात्म विद्या से होती जिस फल की प्राप्ति है, कामिका एकादशी व्रत में उतनी ही शक्ति है। व्रत करने से ना यमराज के दर्शन होते हैं, ना ही कष्ट नरक के उनको भोगने पड़ते हैं। कामिका एकादशी व्रत के समना कोई दूजा, तुलसी दल से करनी चाहिए विष्णु जी की पूजा। तुलसी दल पूजा से हरि प्रसन्न हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वाजपेय यज्ञ का फल सुनने वाले पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्त जनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि श्री हरि विष्णु तुलसी दल से पूजा करने पर अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल से श्री हरि विष्णु की पूजा का फल एक भार स्वर्ण और चार भार चांदी के समान बराबर होता है। भगवान विष्णु रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से विष्णु जी का पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य का तन मन पावन हो जाता है। तुलसी जी को जल स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमल में अर्पित करता है, उसे अवश्य ही मुक्ति मिलती है। जो रात्रि में दीप दान और करते जागरण है, चित्रगुप्त उनके पुण्यों को लिखने में असमर्थ है। हरि चरणों में तेल यज्ञ का जो भी दीप जलाते, सूर्य लोक में सहस्त्रों दीपों का प्रकाश वो पाते। रात्रि में जगराते का फल होता बड़ा महान, और जागरण में उत्तम होता है दीप कदा। रात्रि जागरण में जो विष्णु जी के हैं गुण गाए, स्वर्ग लोक से उनके पितृ भी उतर के आ जाए। आशीर्वाद वो अपने पितरों का भी पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वाजपेय यज्ञ का फल सुनने वाले पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत में है इतनी शक्ति, होती है मोक्ष की प्राप्ति। इस व्रत में है इतनी शक्ति, होती है मोक्ष की प्राप्ति।
प्रिय भक्त जनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कामिका एकादशी व्रत का महत्व विस्तार पूर्वक समझाया और बताया कि कामिका एकादशी व्रत करने से और रात्रि में हरि जागरण करने एवं दीप दान करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। साथ ही ये भी बताया कि सावन मास भोलेनाथ को बड़ा ही प्रिय होता है, अतः सावन माह की दोनों एकादशियों में विष्णु जी और माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करना भी परम फलदायी माना जाता है। इसके पश्चात श्री कृष्णा कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, व्रत करने वाले जातकों को पूजा पाठ और आरती के पश्चात कथा का पठन एवं श्रवण अवश्य करना चाहिए। कथा को सुने बिना व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, अतः अब मैं तुम्हें कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगा। ध्यान लगा कर सुनो युधिष्ठिर, अब तुम व्रत कथा। किसी गांव में बलशाली एक क्षत्रिय रहता था, पर वो क्षत्रिय विष्णु जी की करता है भक्ति। उस क्षत्रिय की काया में थी बड़ी ही अद्भुत शक्ति, बाहु युद्ध में वो अपनी शक्ति को दिखाता है। सुबह शाम विष्णु चरणों में शीश झुकाता है। ऐसा कोई बलशाली योद्धा दूर दूर नहीं है, पर अपनी शक्ति पर उसने किया गुरूर नहीं है। चारों ओर उसके बल के चर्चे हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वाजपेय यज्ञ का फल सुनने वाले पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत में है इतनी शक्ति, होती है मोक्ष की प्राप्ति। इस व्रत में है इतनी शक्ति, होती है मोक्ष की प्राप्ति। प्रिय भक्त जनों, श्री कृष्ण ने व्रत कथा को आगे बढ़ाते हुए युधिष्ठिर को बताया कि वो क्षत्रिय बलवान होने के साथ साथ विष्णु जी का भक्त भी था। आसपास में जब भी कोई बाहु युद्ध प्रतियोगिता होती तो सदैव वही विजयी रहता था। इस प्रकार उसकी शक्ति के चर्चे आसपास के सभी गांवों में थे। एक दिन वो क्षत्रिय किसी काम से पास के गांव में जा रहा था और एक ब्राह्मण उसे रास्ते में मिल गया। ब्राह्मण लगा बताने उसको वेदों का है ज्ञान, और क्षत्रिय भी कहने लगा के मैं भी बड़ा बलवान। थोड़ी देर तक चर्चा उन दोनों के बीच हुई, चर्चा चलते चलते किंतु बहस छिड़ गई। ब्राह्मण करता अपने मुख से अपने ज्ञान बढ़ाई, क्षत्रिय था बलवान उसने शक्ति अपनी दिखाई। ब्राह्मण ने क्षत्रिय को ऐसा कोई कटु वचन कहा है, क्रोधित होकर उस क्षत्रिय ने उस पे प्रहार किया है। प्राण पखेरु ब्राह्मण के फिर तो उड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वाजपेय यज्ञ का फल सुनने वाले पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत में है इतनी शक्ति, होती है मोक्ष की प्राप्ति। इस व्रत में है इतनी शक्ति, होती है मोक्ष की प्राप्ति। प्रिय भक्त जनों, श्री कृष्णा ने युधिष्ठिर से कहा कि आपस में उस क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच इतनी बहस छिड़ गई कि वो क्षत्रिय क्रोधित हो गया और उस ब्राह्मण को एक घूसा दे मारा। क्योंकि ब्राह्मण बड़ा ही दुर्बल था, वो उस क्षत्रिय की मार को सहन नहीं कर पाया और उसकी तत्काल ही मृत्यु हो गई। अब तो उस क्षत्रिय को बड़ा ही पश्चाताप हुआ, उसने सोचा भी नहीं था कि ब्राह्मण मर जाएगा, किंतु अब पश्चाताप से कोई लाभ नहीं था। उस क्षत्रिय को
ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका था। ब्रह्म हत्या करके वो क्षत्रिय बड़ा पछताया, अंतिम संस्कार भी उसने स्वयं ही करना चाहा। पर कुछ ब्राह्मणों ने क्षत्रिय से आकर ये कहा है, तुमको नहीं अधिकार कदापि क्रिया कर्म का है, और न ही हम तेरे घर भोजन करने आएंगे, तुमने ही हत्या की इसकी सबको बताएंगे। या फिर पहले ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाओ, बोला क्षत्रिय आप ही हमको युक्ति कोई बताओ। दयावान से ब्राह्मण युक्ति उसे बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, वाजपेय यज्ञ का फल सुनने वाले पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत में है इतनी शक्ति, होती है मोक्ष की प्राप्ति। इस व्रत में है इतनी शक्ति, होती है मोक्ष की प्राप्ति। प्रिय भक्त जनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, जब उन ब्राह्मणों ने क्षत्रिय को उसी के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए ब्राह्मण का क्रियाक्रम करने से रोक दिया और कहा कि तुम ब्रह्म हत्या के दोषी हो, तुम्हें क्रियाक्रम करने का कोई अधिकार नहीं, जाओ पहले ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाओ, तो क्षत्रिय ने उन्हीं ब्राह्मणों से विनती की कि हे ब्रह्म देवो, मुझसे अनजाने में ही ये अपराध हुआ है, किंतु ब्रह्म हत्या से मुक्ति का उपाय भी आपको ही बताना होगा। तब वो ब्राह्मण उस क्षत्रिय को विधि पूर्वक कामिका एकादशी का व्रत करने के लिए कहते हैं। ब्राह्मणों के कहने से उस क्षत्रिय ने पूरे विधि विधान से कामिका एकादशी का व्रत किया। विधि पूर्वक जो कामिका एकादशी का व्रत किया है, श्री विष्णु भगवान की उस पर फिर तो हुई दया है। रात को विष्णु जी सपने में क्षत्रिय के आए, ब्रह्म हत्या के दोष से भी है मुक्ति उन्हें दिलाए। उस क्षत्रिय ने सभी ब्राह्मणों को बतलाया है, क्रिया कर्म सबने मिलकर पूरा करवाया है, क्योंकि विष्णु जी ने उनको आशीर्वाद दिया था, ब्रह्म हत्या के दोष से भी वो मुक्त हो गया था। भोजन करने ब्राह्मण क्षत्रिय के घर आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, वाजपेय यज्ञ का फल सुनने वाले पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत में है इतनी शक्ति, होती है मोक्ष की प्राप्ति। इस व्रत में है इतनी शक्ति, होती है मोक्ष की प्राप्ति। प्रिय भक्त जनों, अंत में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि हे युधिष्ठिर, ऐसा कल्याणकारी है कामिका एकादशी व्रत कथा। मात्र एक व्रत करने से ही वो क्षत्रिय ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पा गया। कथा सुनकर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण का आभार प्रकट किया और वचन दिया कि हम सभी भाई माता कुंती और द्रौपदी सहित कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करेंगे और रात्रि में जागरण एवं दीपदान भी करेंगे। कामिका एकादशी व्रत कथा बोले युधिष्ठिर सुनकर, हम भी कामिका एकादशी का व्रत करेंगे मिलकर। कामिका एकादशी व्रत की भक्तों यही कथा है, जिसको सुनने से ही व्रत का पूरा फल मिलता है। पूजा पाठ के बाद कथा को अवश्य सुनना चाहिए, श्री विष्णु भगवान की भक्तों फिर तो कृपा पाइए। हरि चरणों में वंदन करता है।
बजरलहन दियस पालन कर दिया भक्तों व्रत कथा का वर्णन। फौज सुरेश के शब्द है जो भक्तों को भाते हैं पावन कथा सुनाते हैं। वाजपेय यज्ञ का फल सुनने वाले पाते हैं हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत में है इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। श्रीमन नारायण 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 हरी हरी। तेरी लीला सबसे न्यारी
भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण।
जग पालनहार, सारे सृष्टि आप सहारे, आप दया हो जिस पर करते। जब जब भक्तों ने है पुकारा, नारायण अवतार है धारा, अलग अलग रूपों में आए, मत्स्य बने कभी कूर्म बने ये, वराह बने नरसिंह बने ये, वामन परशुराम बने ये, राम बने कभी श्याम बने ये, बुद्ध बने अहिंसा सिखाई, कल के कलयुग देंगे मिटाई, अवतारों की जय जय बुलाई, कथा श्री हरि विष्णु की कहते वेद पुराण, श्री हरि विष्णु जी के चरणों में प्रणाम। जय जय नारायण हरि, विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि, अदरी नारायण हरि। जय जय नारायण हरि, विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि, बद्री नारायण हरि। कमलापति दुख मोचन स्वामी, गरुड़ सवारी अंतर्यामी, परम पिता ये है जग जानी, शंख चक्र और गदा के धारी, श्री विष्णु जग पालन हारी, माथे स्वर्ण का मुकुट है साजे, कल्प तरु श्री हरि नारायण, नैया भव से पार लगायन, पीतांबर के आप हो धारी, क्षीर के सागर आप विराजे, माँ कमला संग में है साज, योग के निद्रा सोए रहते, रूप चतुर भुज आपका, भक्तन नैन अभिराम, भक्त जनों का चरणों में बारंबार प्रणाम। जय जय नारायण हरि, विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि, बद्री नारायण हरि। सच्चिदानंद है परमानंद, भक्त जनों के आनंद कंदा, गंगा मैया चरण पकारे, चिंतामणि है सत्य नारायण, नमो नमो श्री नमो नारायण, परम मनोहर छवि के धारी, नव निधियों के आप हो दाता, यश वैभव के आप प्रदाता, अंधन को आंखें हैं मिलती, शुद्ध चित्त जो ध्यान लगाए, द्वादश नामों को जो गाए, एक माला जो रोज फिराए, उनके दुख संकट मिट जाए, ग्राह के फंद छुड़ा दिए, दिए धन्ना को तार, वृंदा तुलसी बन गए, बनी गले का हार। जय जय नारायण हरि, विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि, बद्री नारायण हरि। मोक्ष के दायक तुम जगदीशा, परम पिता पावन जगदीशा, हर पल तुम्हारा ध्यान लगाए, सब व्याधि को दूर भगाए, माँ तुलसी को कंठ लगाए, हर साधक के मन में विराजे, दिव्य अलौकिक ज्योति जलती, भगत करे हैं मन।
मन से भक्ति गूंज रहे हैं जय जयकारे अभय दान भक्तों को देते दुख संकट सगरे हर लेते भक्तन संता नाम तिहारा हाथ तिहारे सौंप दी हमने जीवन डोर अंधियारा काटो प्रभु करो जीवन में बोर जय जय नारायण हरि विष्णु नारायण हरि बोलो नारायण हरि बद्री नारायण हरि दीन दयाल है असुर निकंदन नारायण हरि है जग वंदन शेष की शैया आप विराजे नारायण वैकुंठ के वासी कण कण है घट घट के वासी ऋषि मुनिन के हो रखवारे नारायण हरि कमला सिंधु मात पिता तुम ही दीन बंधु सूरज चंदा और सितारे नारद वीणा मधुर बजाए नारायण नारायण गाए शुभ दृष्टि जब आप फिराए विश्व रूप संकट हरो हम हैं आपके दास दूर कभी करना नहीं रखो चरणन के पास जय जय नारायण हरि विष्णु नारायण हरि बोलो नारायण हरि बद्री नारायण हरि सूर्य करोड़ों सम है आभा जड़ चेतन के तुम अनुरागा योग माया के आप हो स्वामी जय जगदीश जय भाग्य विधाता सुख शांति के आप प्रदाता सृष्टि चलते आप सहारे लक्ष्मी रमण प्रभु लीला धारी श्री नारायण जग उपकारी सृष्टि चलते आप इशारे माथे स्वर्ण का मुकुट निराला गले सजे बैजंती माला जग रक्षक प्रभु सत्य नारायण बद्रीनाथ करता व्यपरायण चारों युगों में गूंज रहा नारायण हरि नाम कमलपति है उमापति दया के आप निधान जय जय नारायण हरि विष्णु नारायण हरि बोलो नारायण हरि बद्री नारायण हरि नारायण श्री ब्रह्म स्वरूप महिमा तिहारी अमित अनूप शेष नाग छाया है करते विष्णु नारायण इष्ट हमारे हम सब सेवक प्रभु तिहारे भक्तन के हो तुम सुखदाता मोहिनी रूप आपने धारा शिव शंकर का प्राण उबारा देवों ने अमृत था पाया श्यामल रूप आपने धारा अद्भुत अनुपम अविरल प्यारा चरणों से हम दूर न करना खाली झोली आप भरोना धन्ना जाट के घर रहे बनकर शाली ग्राम दयावंत नारायण को कोटि को
कोटि प्रणाम। जय जय नारायण हरि, विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि, बद्री नारायण हरि। परोपकारी जन कल्याणी, प्रभु महाज्ञानी, प्रभु महादानी, रंग जाए भक्ति के रंग में। नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी मन से मंत्र ये गाए, भव सागर से पार वो होता। श्री हरि का प्यारा बनता, राजा रंक और साधु संता, आप ही सबके हो भगवंता, धर्म के पथ से हम तो डिगे ना। सिंधु में वास तिहारा, जिसने भी तेरा नाम पुकारा, उसका नसीबा आप सवारा। नारायण सचा है सहारा, वाम अंग लक्ष्मी सजे, सेवा करे दिन रात, पावन दर्शन हम करे, मात पिता और तात। जय जय नारायण हरि, विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि, बद्री नारायण हरि। हे नारायण भगवन प्यारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे, हम सब बालक शरण तिहारे। गुरुवार लगता है प्यारा, अद्भुत सजता मंदिर न्यारा, सत्य नारायण पूजा होती, पावन जग जाती है ज्योति। हे नारायण हे विश्वेश्वर, भक्त है देवा तुम पर निर्भर, जो कुछ नजर हमें है आता, आपकी रचना है सुखदाता। आनंद के तुम हो महासागर, नारायण हरि आप उजागर, इंद्र धनुष में रंग आपके, हमको संग आपके। मंत्र जपे जो आपका, लेता आपका नाम, दुखड़े उसके दूर करे, भक्तों के सुख धाम। जय जय नारायण हरि, विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि, बद्री नारायण हरि। अंतकरण में आपका वासा, जीवन में ना रहे निराशा, चरणों से तेरे लगन लगी है, ऋषि मुनिन के आप हो प्यारे, भक्तन हित के हो रखवारे, भक्तों के हृदय में बसेरा, जीवन में भर देना सवेरा। सार जगत के आप रचैया, भवनैया के आप खेवैया, अपनी कृपा हमको भी दिखाना, अक्षत चंदन पुष्प चढ़ाऊं, तिलक करूं और भोग लगाऊं, आरती और चालीसा गाऊं, नारायण की कृपा पाऊं। त्रिदेवों में आप हो प्रभुवर सबसे महान, भजन आपके गाऊं तो पाऊं मुक्ति धाम। जय जय नारायण हरि, विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि, बद्री नारायण।